हमारे यहाँ पहले देखा होगा अपने घरों में भी, कुछ लोग अभी भी करते होंगे, हम लोग क्या करते थे, भोजन से पहले आचमन करने का विधान था। चलो आप हाथ में लेकर के आचमन ना भी करो, पर गिलास में पानी है तो एक घूंट पानी पी लो। क्यों? पानी पीने से जो गले में कफ वगैरह रुका होता है, गले में थोड़ी सी जो खुश्की होती है वो दूर होती है। और तीसरी चीज़, जब हमारा जो जठराग्नि है, जैसे आग जल रही होती है तो अग्नि में जलते में थोड़ी सी छींटे डाल देने से अग्नि और तेज होती है, ऐसे हमारी जठराग्नि और तीव्र हो जाती है। तो हमको आचमन करना चाहिए, छोटी सी क्रिया, उसी से आप देखेंगे हमको निरोग रहने में उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो आचमन तो हमने भुला दिया, परंतु भोजन से कम एक घंटा पहले आप जल ना पिए। गर्मी है तो आधा घंटा कम से कम रख लें, क्योंकि भोजन से पहले जल पीने से हमारी जठराग्नि बंद पड़ जाएगी। उसके बाद में हमने भोजन किया, भोजन को भी चबा चबा करके खाना चाहिए। और हमने स्वयं महसूस किया है प्रातःकाल यथेष्ट आहार, क्योंकि नाश्ता ठीक ठाक आप कर सकते हैं, मध्याह्न को भी ठीक भोजन ले सकते हैं, रात्रि को हल्का आहार लें। और आजकल एक फैशन और शुरू हो गया है, जो डाइटिशियन है वो लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ, दिन भर खाओ। ये भी खतरनाक प्रक्रिया है, हमको दिन भर चढ़ते नहीं रहना है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मशीन को तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, हमको थोड़ा थोड़ा खाना है पर दिन भर खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि तीन बार का आहार पर्याप्त है, यदि किसी को फिर भी नहीं रहा जाता हो, दिन में चार बार आप ले लो ना, सुबह आप नाश्ता ले लीजिए, दोपहर को आप भोजन ले लीजिए, सायंकाल को कुछ हल्का सा फ्रूट या कुछ जूस वगैरह ले लीजिए, रात्रि को थोड़ा सा आहार ले लीजिए, इतना पर्याप्त है। फिर खाना खाने का आधा घंटे तक आपको जल नहीं पीना है, क्योंकि वो खाने के बाद में जल पीने से, तुरंत पीने से फिर वो भारी हो जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। और प्रातःकाल पानी पीने की बात जैसे मैंने कही, दोपहर को भोजन में जिसको छाछ मट्ठा लस्सी जो हम कहते हैं तक्र, उसका सेवन करें जो स्वस्थ हैं, और जिनको अर्थराइटिस वगैरह है ज़्यादा है तो ना लें, नहीं तो ताज़ा बिल्कुल ताज़ी दही का मट्ठा बना कर ले सकते हैं। दही हानिकारक है, जिनको ज़्यादा कफ हो ना लें, बाकी सब लोग ले सकते हैं। और रात्रि को दूध लें भोजन के बाद में, परंतु दूध और भोजन में लगभग 20 मिनट का अंतर रख लेना चाहिए मिनिमम। और जिसको कफ बनता है वो थोड़ी हल्दी डाल के ले लें, नहीं तो नॉर्मल दूध पिए, मीठा डाल करके ना पिए।